हेलो दोस्तों, क्या आपके पास एक ही नाम के दो पैन कार्ड है? अगर है तो आपको जुर्माना हो सकता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड देश में सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य हो गया है। इसकी जरूरत खास तौर से बैंक अकाउंट खोलने या वोटर आईडी जारी करने के लिए पड़ती है। वही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ ही आईडी प्रूफ के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिना पैन कार्ड के आपके कई काम अटक सकते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि पैन कार्ड जरूर बनवा ले। पैन कार्ड को अब आधार कार्ड और सभी जगह लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। अगर आप कहीं भी पैन कार्ड नंबर दर्ज कर रहे हैं तो पैन कार्ड पर दिए गए 10 अंकों के नंबर को बेहद सावधानी से भरना है। इसमें कोई भी स्पेलिंग या नंबर में गलती होने पर भारी आपको पेनल्टी लग सकती है। अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपका बैंक खाता भी फ्रीज हो सकता है, यानी सील हो सकता है। इसीलिए अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हो तो तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड सरेंडर कर दे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272 बी में इस बात का प्रावधान भी है। इसी के साथ आपको बता दे कि पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती से आपको 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है। वहीं पर आपको रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड, चेंजेस और करेक्शन इन पैन कार्ड डेटा, उसकी लिंक पर आपको क्लिक करना है और फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL ऑफिस में जाकर उसे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। आपको इस तरह की नई नई जानकारियां जानने को पसंद है तो इस NG इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत मिल सके। आपको जय हिंद, जय भारत, आपका धन्यवाद।